अब देखो खाने के बाद ये वहाँ पर नल के पास खड़ी हुई थी, तो ये बंदे ने इसको देखा और इसको पानी पिलाया। ये देखकर आप देख सकते हैं कि इंसानियत अभी भी जिंदा है और जानवर और इंसानों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। हाँ तो भाई लोग, ये आप देख रहे होंगे, ये दूल्हा मेरे सामने जा रहा है। ये वारिस पाक की दरगाह पर आया था सलाम के लिए, इसका निकाह होगा शायद आज। तो निकाह से पहले यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं वो यहाँ पर आकर सलाम करके जाते हैं, उसके बाद ही अपना लड़के या लड़की का निकाह करवाते हैं, जो उसी के लिए आए हुए थे। वो भाई साहब ये रहा। हाँ। अबे कुछ हाथ वात तो हिला तभी तो पता चलेगा तू इंसान है। हाँ हिला 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 हिला। हाँ दे 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 हिला रहा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है हमारा टूर चल रहा है देवर शरीफ का, आप देख सकते हैं पीछे देवर शरीफ दरगाह मेरे। और आज के ब्लॉग में होने वाला है कुछ खास, क्योंकि आज हम चढ़ाने वाले हैं यहाँ पर चादर। तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, आपको दिखाऊंगा पूरा प्रोसेस कैसे कैसे चढ़ाई जाती है। बाकी अब दरगाह की रौनक तो आप देख ही सकते हैं, और यहाँ पर कुल स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों बाद, आप देख सकते हैं चारों तरफ। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर अब कुल स्टार्ट होने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं पूरी। देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा हो रखी है, और अभी ये भीड़ कुछ भी नहीं है, अभी हौले हौले करके भीड़ बढ़ती जाएगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पूरा पूरा का पूरा प्रोग्राम कैसे होता है यहाँ पर, और हमारी जो चादर है वो कब चढ़ेगी और किस प्रकार से चढ़ाई जाएगी। तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, और अगर आपने पिछले वाले ब्लॉग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और एक पूरी प्लेलिस्ट बनी होगी देव शरीफ के नाम से, आप उसमें जाकर पूरा का पूरा सारे के सारे ब्लॉग आप देख सकते हैं, और घर बैठे बैठे देव शरीफ के दरगाह का नज़ारा ले सकते हैं पूरा। और जो गुम्बद पर सजावट हो रही है इस समय देव शरीफ पर, गुम्बद के ऊपर सजावट होती हुई देख सकते हैं, उसके ऊपर दो बंदे चढ़े हुए हैं। वो भाई साहब ये रहा। हाँ। अबे कुछ हाथ वात तो हिला तभी तो पता चलेगा तू इंसान है। हाँ हिला 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 हिला। हाँ दे 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 हिला रहा। लाइट दे दे लाइट लाइट ले रहा नीचे से। नीचे से बंदा पकड़े हुए है। हाँ उसके नीचे से वो पकड़ा हुआ है। हाँ दे 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 किसा दे रहा नीचे से। इसमें तो भी सबसे ऊपर उसको पार दूर कर दे। वो भाई साहब दिख भी नहीं रहा वो बंदा कितना ऊंचाई पे जिए रहा। बिल्कुल चांद चांद इसका मतलब बहुत बड़ा चांद। और क्या दूर से हम लोग को छोटा दिखता है ना। बहुत गर्दन भी इसकी नहीं आ रही है। कलश बहुत बड़ा है यार फिर इसका मतलब। कलश काफी बड़ा है। बहुत मजबूत है वो, देख रहा है ना बंदा चढ़ गया। वो चढ़ गया इसके ऊपर और छुप गया पूरा इंसान। हां इसका मतलब बहुत बड़ा है तो। और उसका जिगर देखो बंदे का। वो कैसे बैठा हुआ ऊपर है? ऊपर वो कितने आराम से बैठा हुआ उस पर। और वो चिकना गला है पूरा, फिसल जाता है। हैं ये तैयारी कर रहे शाम की, वो बैठे हुआ आराम से। ऊपर वाला वो दुर्राटे वो बांध रहा है, वो उसके नीचे वाला उसको दे रहा है इधर से। तो देव शरीर का लंगर आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है। मैं तो अपना कैमरा आगे भेज रहा हूँ। हाँ तो भाई लोग, ये आप देख रहे होंगे, ये दूल्हा मेरे सामने जा रहा है। ये वारिस पाक की दरगाह पर आया था सलाम के लिए, इसका निकाह होगा शायद आज। तो निकाह से पहले यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं वो यहाँ पर आके सलाम करके जाते हैं, उसके बाद ही अपना लड़के या लड़की का निकाह करवाते हैं, जो उसी के लिए आए हुए थे। तो आप देख सकते हैं अभी निकाह के लिए जा रहे हैं, यहाँ से सलाम कर चुके हैं ये। हाँ तो दोस्तों, आप जो सामने देख रहे होंगे बंदरिया जो अपने बच्चे के साथ है, ये शायद भूखी थी और इसका बच्चा भी भूखा था, इसीलिए ये नीचे आ गई है, लोगों के बीच में खाना ढूंढ रही है। और देखो इसको खाना मिल भी गया है, ये जो भगोने के अंदर खाना है ये उसी में से निकाल निकाल के खाना खा रही है, आप देख ही सकते हैं। बाकी चारों तरफ बंदों ने भीड़ लगा रखी है इसको देखने के लिए, लेकिन इसने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया कुछ भी, ये केवल भूखी थी शायद इसीलिए नीचे आई थी और अपना खाना ढूंढ कर खाना खाने लग गई। अपने बच्चे को भी खिला रही है और खुद भी खा रही है। और जो आंटी आप देख रहे हैं सामने ये खड़ी हैं, इन्हीं का ये खाना है, भगोने में रखा हुआ है, चावल वावल है शायद कुछ।
वो ये खा रही है। अब देखो खाने के बाद ये वहाँ पर नल के पास खड़ी हुई थी, तो ये बंदे ने इसको देखा और इसको पानी पिलाया। ये देखकर आप देख सकते हैं कि इंसानियत अभी भी जिंदा है और जानवर और इंसानों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। और आप देख सकते हैं ये पानी पीने के बाद अभी यहाँ से जा रही है। ये खाली खाने पीने के नहीं आई थी, इसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, यहाँ पर केवल अपना खाना खाया, अपना पानी पिया और वहाँ पर पेड़ के पास जाके बैठ गई है। शायद ये अब यहाँ बैठेगी या चली जाएगी। बाकी ये नज़ारा देख के काफ़ी अच्छा लगा। तो भाई लोग हम लोग चादर तो चढ़ा चुके हैं, अब समय हो गया है खाने का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तब रुक के तौर पर यहाँ पर दाल और रोटी बढ़ती है। मैंने जब ये दाल देखी थी तो मैं खुद चौंक गया था कि ये है क्या चीज़, क्योंकि दो सकोरे टाइप मिट्टी के बर्तन है, ये देख सकते हैं अंकल के हाथ में, और दोनों एक के ऊपर एक हैं, तो पता नहीं लग रहा था अंदर कुछ है भी या नहीं है। तो जब मेरे सामने ये लेकर आए तब मुझे पता चला कि इसके अंदर दाल है, और दाल ऐसी बिल्कुल जमी हुई। वैसे मुझे आमतौर पर दाल पसंद नहीं है खाने में, लेकिन जब मैंने ये दाल खाई थी तो भाई साहब मज़ा आ गया था, आप देख सकते हैं। चलो दोस्तों मैं खाना खा लेता हूँ, मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी अगले ब्लॉग में। ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद।